आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। यह हम सबका दायित्व बनता है, नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का, डिग्निटी ऑफ विमेन, यह हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए। महिला की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है बिल्कुल भी। जैसे सोचती थी महिलाएं कि मोदी जी आएंगे और सुरक्षित करेंगे महिलाओं को, बलात्कार वगैरह हैं जो भी हैं, जो बहन बेटी घर से बाहर निकलती हैं उनको सुरक्षित रहेंगी, वो बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन बलात्कार वगैरह होते जा रहे हैं, जो घर में बेटियां बैठी हुई हैं, बेरोजगार हैं, जो कुछ करने की सोचती हैं वो डर से घर पे बैठी हैं और गरीबी बढ़ती जा रही है। अभी तो कुछ भी नहीं मतलब मारती, हम लोग बाहर निकलते हैं जैसे तो फिर भी डर मतलब लग ही रहता है हम लोगों को कि मतलब पता नहीं कोई कैसे क्या हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते जी। ऐसा है कभी इन महिला अपने आप को कभी सुरक्षित समझती भी है और नहीं भी। जब हम दिन में निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, पर आज भी हम ये इस छोटे से इलाहाबाद जैसे शहर में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं। हम रात में हम अगर 9 या 10 बजे के बाद हम फ्रीली नहीं निकल सकते हैं, हमें इतनी फ्रीडम नहीं है। हमारे घर में जो भी लड़कियाँ हैं, जो माताएँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो अभी भी कहती हैं बेटा मत जाओ, अभी रात हो चुकी है, हम नहीं सुरक्षित समझते हैं। बाहर निकलते हैं तो जैसे सबको यही लगता है कि कहाँ क्या हो जाए, जैसे कहीं जा रहे हैं चेन छिन जाएगी, पर्स छिन जाएगा, कुछ भी डर, कहीं से धक्का मार चले जाएंगे। मान लीजिए एजेड औरतों का छोड़ो, लड़कियों का तो बहुत ही दिक्कत है, तो सब महिलाएं ही है ना। नहीं, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है जिसके लिए लगे कि अरे इसकी वजह से हम सावधान नहीं रहना है। नहीं सर, हम तो सुरक्षित नहीं मानते, क्योंकि अभी तक मतलब लड़कियां अभी परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, बाहर निकलती हैं तो उनको खतरे रहते हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, इधर उधर मतलब दिक्कतें रहती हैं, वो हाँ छेड़छाड़ करते हैं, इधर उधर परेशानी रहती है, वो पूरी तरह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पा रही हैं और तमाम मतलब तरह की जानकारियां हासिल नहीं कर पा रही हैं। हम तो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं, फिर उसके बाद हमेशा डर बनी रहती है। लड़कियों के लिए हमेशा ये समस्या है कि अकेले नहीं जा सकती हैं, अकेले अपना कोई काम नहीं कर सकती हैं। अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो भी किसी को ले कर चलते हैं, रात में भी शाम हो जाती है तो भी निकलना मुश्किल है आज के ज़माने में। हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। अभी भी हम लोग अपने आप को असुरक्षित मानते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक बात ही मन में डर बना रहता है कि बाहर निकलेंगे तो कोई छेड़ेगा, हम चैन पहन के निकलते हैं तो लगता है कि ये खींचेगा। अपने आप को अभी भी हम बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, घर से बाहर निकलते तो अपने भाई को या अपने फादर को लेके निकलना पड़ता है। महिलाओं का तो भी सुरक्षित होने का कोई सवाल ही नहीं उठा, महिलाओं तो दिन दिन प्रताड़ित करी जा रही है, बच्चे से लेकर बड़े तक महिलाओं को पुरुष प्रताड़ित ही कर रहा है, उसमें किसी भी सरकार का आने का कोई सहयोग नहीं मिलता। महिला अपने आप में सक्षम बन जाए तो बात अलग है, लेकिन महिलाओं का कोई सहयोग करने को तैयार नहीं। सन 47 से सब सरकारें आई, वादे करे, वादे किसी सरकार ने नहीं निभाए, तो वादों के खिलाफ ही सरकार चली जा रही है, तो महिलाओं के लिए तो उत्पीड़न हो ही रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न के लिए विचार होना चाहिए। जहाँ तक मोदी सरकार के एक साल के अंदर महिला सुरक्षा की बात है, जिस दिन समाचार पत्र में एक भी बलात्कार या एक भी महिला प्रताड़ना का कोई खबर नहीं छपेगी, उसी दिन हम मान सकेंगे कि हम मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कुछ किया है। अभी हमें जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, बहुत कुछ तो अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन एक हम लोग आशा या उम्मीद कर सकते हैं मोदी सरकार से कि अगर उन्होंने कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है, एक साल के अंदर बहुत हमें प्रगति भी दिखाई दे रही है, तो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी उम्मीद करती हूँ कि मोदी सरकार की तरफ से कुछ तो अच्छा कार्य संपन्न होना ही है जिससे कि हम लोग भी सुरक्षित नहीं पे। लेकिन हम बहुत अभी इस विषय में बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल बहुत सारी ऐसी खबरें छपी जा रही हैं डेली न्यूज़पेपर में, जब हम देखते हैं कि महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित अभी भी है। पहले हमें लगा था कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगे, परंतु सरकार एक वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों की घटनाओं को पढ़कर बहुत कष्ट होता है, और आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
फिलहाल मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि उनके आने से ज्यादा कुछ तो बदलाव ना नहीं हुआ है, बट एट टाइम आई एम फीलिंग टू सेफ। मैं यहाँ से खुद मैं मतलब तुरंतपुर गांव से होकर आती हूँ यहाँ ज्ञानपुर पढ़ने के लिए, स्पीकिंग क्लास लेने आती हूँ। सो आई थिंक बेटर, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिलहाल तो 20% तो महसूस ही कर रही हूँ सुरक्षित, बाकी के 80% तो वही है हाल। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार अपने कोई भी वादे पूरे कर पाई है, क्योंकि जो कुछ पहले जैसा चल रहा था सब कुछ लड़कियों के लिए वैसा ही है, उसमें से कोई भी चेंज नहीं है, वही बलात्कार, वही रेप, वही छेड़छाड़, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं, ना ही मोदी सरकार ने उसमें कोई चेंज किया अभी तक। मोदी सरकार ने हमारे से लड़कियों से वादे बहुत किए थे, लेकिन इन्होंने कोई प्रॉपर हमें कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया कि हम उसके वादों को पूरा करेंगे, और ना ही वो वादे पूरे किए हैं। बोले जाते हैं, काफी बोला जाता है, जब सरकार आती है तो वो जनता से बहुत वादे करती है, लड़कियों से वादे करती है, और भी बहुत सारे वादे करती है, लेकिन जब वो वर्क करना शुरू कर देती है तो वो सारे वादे भूल जाती है। मोदी सरकार भले सी अभी आई है, लेकिन उसने बोला था कि हम आपके लिए, लड़कियों के लिए, जब आप बाहर निकलोगे तो आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होगी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से छेड़छाड़ घटनाएं कोई बंद नहीं हुई। देखिए, अभी तक तो केंद्र सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई। केजरीवाल ने कहा था कि हम सुरक्षा बनाएंगे, अपने मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। केंद्र सरकार की ओर से तो कोई ऐसी नीति आई नहीं अभी तक। बहुत वादे किए थे, ये सच है, लेकिन अभी वो वादे पूरी तरह से पूरे नहीं हुए, होते हुए लग रहे। भले उनका एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकल, अभी वो जो उन्होंने वादे किए थे वो भी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नहीं आए हैं, और हमें नहीं लग रहा है कि अभी हम उतने सुरक्षित हैं जितना जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे। मोदी जी ने अपनी तरफ से वादे तो बहुत सारे किए थे कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, लेकिन केंद्र सरकार में तो नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जैसे उनके प्रदेश में पहले गुजरात में अभी भी महिलाएं बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं, वैसे यहाँ वैसी व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है मोदी जी को और काम करने की जरूरत है। आजकल महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, उनके घर से निकलना दुर्लभ हो गया है, यहाँ तक कि वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो समाज और केंद्र का जो भी आए दिन जैसी घटनाएं हो रही है, उनका सड़क पर निकलना ही दुर्लभ है। मोदी सरकार आने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा में कोई खास इजाफा नहीं दिख रहा है। मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा से कोई खास कार्यक्रम नहीं कर रही है, उसमें सुरक्षित क्या, सुरक्षित तो ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही है, कई एक कम होती है बढ़ जाती है, अगर हम एक जिले का कवर कर पाई तो ग्रामीण क्षेत्रों में घटनाएं बढ़ जाती हैं। जब महिलाएं घर से बाहर ही निकलती हैं, उन्हें यही नहीं फीलिंग हो रहा कि हम सुरक्षित हैं या नहीं, उसके बावजूद हमें ये कहना है कि महिलाएं एक भी पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आने वाले कल में जो भी समस्या है दिन दुगनी रात दुगनी बढ़ती चली आ रही है, कोई हमें सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही महिलाओं के बारे में। सरकार में महिलाएं तो सुरक्षित नहीं, दो कदम भी हम चलते हैं तो क्या होता है ये किसी को मालूम नहीं चलता, इसीलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए हर तरह की कानून और नियम बनाएं उनके, ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। ज़्यादा नहीं सुरक्षित है महिलाएं, क्योंकि जो है हमें लगता है कि ये जो है चल रहा है, जो भी अभी भी कुछ ऐसी मामले मतलब हैं जो चल रही हैं, अभी भी हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं सुरक्षित है महिलाएं। सुरक्षा की बात है तो हमें नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित है अभी, क्योंकि पहले से ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं कोशिश तो कर रहे हैं, पर अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये महिलाओं की सुरक्षा की कोशिश हो सकती है। हाँ, सुरक्षित तो है, केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है, ऐसे व्यवस्था कर रही है, फिर भी ज्यादा कुछ सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में ऐसे बहुत से मामले देखे गए हैं। ये है कि कहीं भी जाने पे, अभी देखिए जल्दी में ही दिल्ली में हुआ है और हरियाणा में बस में, ऑटो में सब लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर कुछ कर नहीं पाते, इससे तो हमारी सरकार की तोहीन ही तो है। पहले की अपेक्षा में कुछ फर्क तो आया है, काफी कानून भी बदलाव आया है, नए नए कानून बनने हैं महिला की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, पर अभी भी इतना नहीं है कि हम लोग सुरक्षित होके, बेफिक्र होके घर से निकल सके, अपने बच्चों को भेज सके, अभी और आवश्यकता है उसमें। सुरक्षा की जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ ज्यादा ही असुरक्षा महसूस होती थी, अब उसमें थोड़ा तो अंतर दिखाई देता है, लेकिन पूरी तरह से हम ये कहें कि महिलाएं सुरक्षित हैं तो ये हमारी दृष्टि में तो उचित नहीं दिखाई देता है। आज भी महिलाएं बाजार जा रही हैं, आज भी उनके पर्स छीने जा रहे हैं,
आज भी जगह जगह उनकी चैन स्नैचिंग की जा रही है, तो हम पूर्णतया से अभी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा। महिलाओं की सुरक्षा का विषय शुरू से ही बड़ा नाजुक रहा है, शुरू से ही सुरक्षा सुरक्षा के बीच में घूमते आज भी, लेकिन आज जो सरकार है उस समय भी यही है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि रात को निकलना अब भी महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अशोभनीय माना जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि घटनाएं होती रहती हैं। अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों को कहीं पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो हमें डर लगा रहता है शाम तक, अगर वो जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि आपने बलात्कार और छेड़खानी जैसी घटनाएं आम बात हो गई है, ये आपको आए दिन सुनने को मिलती रहती है, पेपरों में भी पढ़ते हैं आप, तो हम नहीं मानते हैं कि कहीं महिलाएं कहीं हमारी बहन बेटी कहीं भी सुरक्षित है। हम उन्हें ठीक से पढ़ने के लिए भी नहीं भेज सकते, बाहर भी नहीं भेज सकते, कहीं भी नहीं भेज सकते। महिला तो किसी सरकार में आई डोंट थिंक सो सुरक्षित होती हैं, बिकॉज लॉज बने जरूर हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स में हो रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं लगता मुझे। जब से मोदी सरकार आई है तब से लगता तो है थोड़ा बहुत कि सेफ्टी मिल रही है, बट उतना अभी तक हुआ नहीं है कि जितना सेफ्टी चाहिए उतना है नहीं, थोड़ा बहुत लगता है, इतना नहीं कि अभी सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है कि हाँ हर जगह पे PCR वैंस लगी हो तो उससे हमें सेफ्टी लगे, अभी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट नहीं, थोड़ी और सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत है, नहीं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है आज, जैसा कि महिला इस बाहर औरतों को निकलना पड़ता है दिन हो या दोपहर हो या शाम हो या रात हो, लेकिन हर जगह पे वही चीज समस्या आ जाती है, सुरक्षा कहीं भी नहीं है। अच्छा वो बताइए, जब महिलाएं आज तक कोई सुरक्षित कोई कानून नहीं सुरक्षित कर पाया तो मोदी सरकार क्या सुरक्षित करेगी? मोदी सरकार ने महिलाओं को देखा अपनी सुरक्षा बढ़ाई ली है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेके काफी दिनों से काफी वर्षों से बात होती चली आ रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके सभी सरकारें चिंतित दिखाई देती हैं, लेकिन जिस प्रकार से चिंतित दिखाई देती हैं उस प्रकार के कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। आज के भी डेट में कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, इसलिए आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, और खासतौर पर महिलाएं जो कि अपने कार्य के लिए बाहर निकलती है तो वो तो कहीं से भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जिस प्रकार के उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है दिन दहाड़े, उनके साथ में छेड़छाड़ लूटपाट अन्य घटनाएं हो रही, तो उससे महिलाओं का सुरक्षा को लेकर सभी सरकारों को चिंतित होना चाहिए। महिलाएं तो कतई नहीं सुरक्षित, हम हो या कोई हो, आज अपनी बहन बेटियों को घर की औरतों को अकेले मार्केट के लिए नहीं भेज सकते हैं, पता नहीं क्या हो जाए, सशंकित रहते हैं, महिलाओं को अकेले भेजना खतरे से खाली नहीं है। तो इस जमाने में चाहे मोदी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, महिलाएं तो कतई सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो घर से निकलने में मुसीबत महसूस कर रही है, अब कोई महिला अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, और ये परेशानी है कि बड़े शहरों में जितने खासकर दिल्ली में और जो और कैपिटल सिटीज है वहां तो हालत बहुत ही खराब है। महिला सुरक्षा को लेकर के कहना ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार को लाख एक साल हो गया है, लेकिन योजनाएं भरपूर बनाई उन्होंने, लेकिन उनमें कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। आज भी डर और भय कायम है महिलाओं के अंदर, जो दिन में नहीं निकल सकता तो रात में बहुत दूर की बात है, इसलिए ठोस कदम उठा करके उनको आप कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, खाली फाइलों में नहीं बल्कि दिखना चाहिए कि काम हुआ है और महिलाएं इससे संतुष्ट हो सके। अभी तो मोदी जी के सिर्फ एक साल हुआ है तो उम्मीदें तो काफी हैं, मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और अभी तो एक साल हुआ है इससे मतलब कुछ आकलन अभी नहीं लगाया जा सकता, थोड़ा और समय होने दीजिए तब आएगा, फिर अभी तो सिर्फ केंद्र में ही है, यूपी में आएगा तब और ज्यादा मजबूत होगा महिलाओं के लिए। मेट्रो सिटीज में अगर हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे, पर यहाँ पे तो नियर बाय तो कुछ भी नहीं चल रहा है, आज भी प्रॉब्लमेटिक है कि अगर हम लोग को कहीं आना है रात में जाना है तो सोचना पड़ता है 10 बार के लिए निकले कि नहीं निकले, स्टिल नॉट सेफ फॉर द वुमेन। फिलहाल मेरे को देखने में ऐसा नहीं आया है कि कहीं कोई महिला सुरक्षित है, कहीं भी मार्केट निकलो रात की तो बात ही दूसरी है, रात में तो खैर हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ना बच्चे को भेज सकते हैं ना खुद जा सकते हैं, और दिन में ही हम अभी निकल कर ही आए हैं, पूरे गाड़ी पर हम लोग को डर सा बना रहा कि कुछ पहने हैं या कुछ निकल ना जाए या कुछ भी हो,
हम तो जाने के बाद उसमें अपनी बेटी को भी कहीं नहीं भेज सकती हूँ, और शायद परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आया, आगे भी आ सकता है या नहीं सकता इसके लिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कोई सुरक्षा नहीं दे पाए, कोई नहीं दे पाए, जो चल रहा था सही है, मैं अभी भी सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में बस में आते जाते कितने लोग कमेंट होते हैं, कितनी वारदात हो जाती है। काफी हद तक सुरक्षित है जो है, मोदी सरकार काफी अच्छी है और जनता के लिए काफी कुछ कर भी रही है। मोदी सरकार के महाराज में बिल्कुल महिला सुरक्षित है, ना घर से निकल सके, निकले तो दुनिया भर के इल्जाम और दुनिया भर छेड़खानी। महिला अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर अजाड़ तत्व तो इतने फैले हुए हैं, मन चले लोग कि महिलाओं को देखिए गंदी गंदी फब्जियाँ बसते हैं, असली हरकतें करते हैं और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित एकदम नहीं है, जब तक मोदी सरकार का आया है तब तक कुछ भी नहीं कर पा रही है। बेचारी कोई जेवर नहीं पहन के निकल पा रही हैं, है चांदी का सोने का कुछ भी नहीं पहन के निकल पा रही हैं। इतनी डर भय उन लोगों को हो गई है कि मोदी सरकार कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, उनको आने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। वादा किए थे, महिलाएं पर इतना अत्याचार हो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सुन के बैठ जा रहे हैं, कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, महिलाएं आज अभी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। यह सरकार का दावा चाहे जितना ही हो, हम लोगों के लिए यह दावा इनका गलत है, कहीं से भी रिलीफ महिलाओं को नहीं मिल रहा है, सरकार फेल नजर आ रही है अपने दावे से। पहले भी वैसे ही असुरक्षित सुरक्षा थी और आज भी वैसा ही है, और आगे भी लग रहा है कुछ महिलाओं के लिए कुछ असुरक्षा ही रहेगी। अभी तो मान लीजिए कुछ खास नहीं लग रहा है, अभी भी महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उतना जितना सुरक्षित चाहिए, जितना स्वतंत्र चाहिए, उतना औरतों को अभी नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद महिलाओं के लिए उन्होंने एक्ट लाए, कानून लाए, इसकी वजह से क्या हुआ, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हर जगह प्रभावी तौर से एक्ट लागू हुआ है, इस कारण छेड़छाड़ के मुकदमों में अब कमी आने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और इससे महिला सशक्तिकरण भी होगा। जो अभी मोदी सरकार के समय जो एक्ट पास हुए हैं उसमें हमें कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, अभी ऐसा कोई हमें वो नहीं मिला परिणाम। हमें नहीं लगता है कि महिलाएं आज सुरक्षित हैं, क्योंकि जो अपराध पहले किए जा रहे थे वही आज भी हो रहे हैं, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि दिन ब दिन ये अपराध बढ़ोतरी होती जा रही है इन अपराधों में, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है जिससे कि ये अपराध कम किए जा सकें। ना महिला सुरक्षित है, ना रोड पे काम करने वाले सुरक्षित है, जो खाते हैं पीते चलते थे, ऐसे सरकार बैठी जो आदमी अपाहिज हो गया, कुछ हो गया, कुछ जाते हैं किसी से ख्वाहिश करने या कुछ कहने के लिए, ऐसा कोई सुनवाई नहीं होती, तो आपके बैठने से ना बैठने से हम लोग को क्या, कुछ भी नहीं हमारे लिए। भैया मैं सुरक्षित हूँ और जाने तो सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हर कोई सुरक्षित है, हर कोई सड़क पे फिरने के बाद अपने डर घर पे रखा तो हर किसी के साथ डर जरूर रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, लेकिन जितना उन्होंने करा था प्रॉमिस उस लेवल पे नहीं हो पाया है, तो इस चीज़ को थोड़ा है, लेकिन हाँ अभी टाइम नहीं हुआ है ज्यादा, तो इवेंचुअली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो सुरक्षित है, क्योंकि इतने सारे रेप हो रहे हैं और उनको जस्टिस भी नहीं मिलता है, कुछ लड़कियां तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है रेप होने के बाद में कि उनको जस्टिस ही नहीं मिलेगा, और मोदी ने एक साल में कुछ भी नहीं किया, बस वो ट्रेवल कर रहे हैं। मोदी सरकार अच्छे है, महिलाओं के लिए बढ़िया करेंगे तो अच्छी बात है। काहे ना होगा, उम्मीद हो तभी ना दुनिया टिकी है कि मोदी सरकार तो बहुत अच्छी है, प्लस बस एक माइनस पॉइंट उनके साथ यही है कि जो आगे महिलाओं के साथ सुरक्षित होना चाहिए वो चीज नहीं है, आगे भविष्य में उसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, क्योंकि महिलाओं के लिए ही तो पूरी दुनिया ही है, जब वो सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, बाकी जो उन्होंने सब चीज के लिए मैनेज किया वो बहुत अच्छे है। सुरक्षा दृष्टि के लिए बदलाव बहुत जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी कुछ उनका कार्यक्रम अभी तक है जो वो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में महिलाएं अभी भी उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए, महसूस होना चाहिए कहीं आने जाने के लिए। मोदी सरकार जब से आए तो अब से तो बहुत ही अच्छा हो रहा है सबके लिए, पर आज महिलाएं अभी तक सुरक्षित नहीं है, उनको अभी उसके लिए कुछ और भी करना चाहिए।
अभी भी हमने ये देखा है भाजपा सरकार को आए हुए भी एक साल हो गया है लगभग, उन्होंने काफी वायदे भी किए हैं लेकिन पूरी तरह उन पर अभी खरे नहीं उतर पा रहे हैं और अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी कोई उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर भी दे रखे हैं लेकिन जब उन नंबर्स को हम कॉल करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ पूर्व सुरक्षा की बात नहीं मिलती है। हम बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करते हैं, सरकार ने ऐसे कोई कड़े कदम नहीं उठाए हैं। हम आज भी बाजार जाते हैं, कहीं भी जाएं, हालांकि हम इंस्टीट्यूट में भी जाएं, हमें नहीं लगता कि हम वहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि लोगों का देखने का ढंग, उन वो जिस तरह से कमेंट करते हैं वो बिल्कुल भी हमें सही नहीं लगते हैं। तो सरकार को इस तरह से करना चाहिए कुछ हेल्पलाइन, और इस तरह से हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कल यहाँ पे लाइट गई हुई थी तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अंधेरे में आई, वहाँ पे ना कोई पुलिस वाला था ना कुछ था और लाइट भी नहीं थी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सरकार को बिल्कुल ऐसे कड़े कदम उठाए जिससे लोग सुरक्षित रहें। मैं बिल्कुल नहीं मानती, जब सरकार आई थी तो बहुत खुशी हुई थी मैंने कि चलो लड़कियों के देर से आती हैं, आजकल लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, उन्हें भी बाहर निकलना पड़ रहा है, वो अपने को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन मेरी बहुएँ भी जाती हैं कोचिंग सेंटर लेकिन उन्हें डर लगा रहता है कि कुछ हो नहीं जाए, तो ये सरकार को कदम उठाना चाहिए, उन्हें जो लोग ऐसा करते हैं, लड़के करते हैं छेड़खा, उन्हें सख्त सजा दी जाए। सर देखिए बीजेपी ने बहुत से नए नए मतलब कदम उठाए, अच्छे अच्छे कदम उठाए और उनका लाभ भी हमें मिल रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है उसके लिए कोई खास कदम तो उठाई नहीं है, क्योंकि जैसे महिला पहले सिक्योर थी वैसे ही अब है। जैसे छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, रेप की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे पहले होता था वैसे ही अब है, कोई सुधार की स्थिति हमें तो नज़र आती नहीं। हम भी आज भी अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और आज भी बाहर जाने में रात को डर लगता है। महिला के सुरक्षाओं के लिए तो ऐसा नहीं लगता कुछ ज्यादा कुछ हुआ है, जैसे और योजनाओं पे काम कर रहे हैं, वैसे हम चाहते हैं कि उनका ध्यान इस तरफ भी होना चाहिए कि भाई महिलाओं का भी सुरक्षा का ध्यान होना चाहिए। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बस ये सुरक्षा नहीं होती कि हम लोग जा रहे हैं कि कोई चेन छीन लेगा या हम आराम से जाके आ जाएंगे वापस, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नारी सुरक्षा के लिए भी उन्हें जो और योजनाओं पे काम कर रहे हैं इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैसे यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर चला है नारी सुरक्षा के लिए, तो लेकिन अक्सर कहते हैं कि वे सुनने में आता है कि बिजी रहता है वो नंबर, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए कि नारी अपने देश में रह करके सुरक्षित हो, अपने अच्छे तरीके से बाहर जाए काम करके आए, अब अकेले निकलने की हिम्मत नहीं होती है, डर लगता है हर समय। अगर कोई महिला बाहर निकलती है उस पर फप्तियां कसना या वो सेफ है या कुछ, उससे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो सेफ है। अगर किसी महिला के साथ कुछ बुरा होता है और वो FIR तक कहीं लिखाने जाती है तो उल्टा उसे ही शक की नजर से देखा जाता है, यहाँ तक कि उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती, फिर कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और वहाँ की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि किसी को न्याय मिल ही नहीं पाता। वायदे तो बहुत किए हैं मगर अभी पूरे वायदे अब पक्के नहीं किए, उन्होंने पूरे नहीं किए, जो वायदे किए हैं कुछ पूरे किए हैं कुछ अभी ऐसे ही है, और महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है वो। महिलाएं इंडिया में तो आज तक सेफ नहीं रही मानी गई हैं, बट मोदी जी के आने से गुजरात से उन्होंने स्टार्ट किया है तो काफ़ी हद तक हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, और भी सिटीज़ में कुछ बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बट फिर भी आज तक और ऐसी ना कोई इंसिडेंट होते ही रहते हैं आए दिन, बट देखते हैं आज आगे क्या करते हैं वो मोदी जी, और 5 साल हैं अभी हमारे पास, 4-5 साल। 1 साल हो तो चुका है पर महिलाएं अभी अपने आप को सेफ नहीं मानती हैं, क्योंकि जैसे कि हम कोचिंग के लिए आते हैं तो हमें रात में निकलते हुए भी एक बार को सोचना पड़ता है। 1 साल हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जितने केसेस अभी आ रहे हैं उतने नहीं आने चाहिए थे जितने वादे किए गए थे उसके हिसाब से। सभी को मालूम है कि मोदी जी ने चुनाव से पहले बहुत से वादे किए थे खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने को है लेकिन ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं सामने आ रहा है जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस की जा सकती हैं। महिलाएं आजकल कहीं भी नहीं सुरक्षित है, आजकल इतनी ज़्यादा घटनाएं महिलाओं से संबंधित होती हैं, जहां देखिए तहां महिलाओं के साथ लूट खसोट ज़्यादातर रेप के केसेज आजकल सामने आ रहे हैं, बच्चियों से तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महिलाएं क्या छोटी से छोटी बच्ची भी नहीं कहीं सुरक्षित है। महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि मोदी जी ने जितने 1 साल में वादे किए थे वैसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन देखें तो घटना होती रहती है,
कभी लड़कियां रेप हो रहा, कभी बस से उठा लिया गया, कभी यहाँ मेरी भी दो लड़कियां हैं, स्कूल जाती तो मुझे डर सा लगा रहता है।